सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि चैन और जियोंग अपना रूप बदल कर ब्लैक मार्केट में घूम रहे थे। वहां एल्डर वू और एल्डर लिन के बीच लड़ाई शुरू हुई थी, मगर एल्डर जी ने वहां आकर उन दोनों को रोक दिया था और एल्डर जी को चैन की ट्रू फायर के बारे में पता चल गया था। ऑक्शन में हे हुओ डू और यू जियो भी आ गए थे। फिर ऑक्शन स्टार्ट हो गया था। अब हम देखते हैं कि ऑक्शन मास्टर सबके सामने जियांग शॉट को पेश करते हुए कहते हैं कि यह शॉट जेंगयांग लेवल तक के की बॉडी के टुकड़े कर सकती है और इसमें बहुत सारी दूसरी पावर से इसका प्राइस 50 के स्पिरिचुअल स्टोन से स्टार्ट होता है। जो सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन देगा वो इस स्वॉर्ड का ओनर होगा। फिर सब लोग जियांग स्वॉर्ड के लिए बोली लगाना स्टार्ट कर देते हैं। सब एक दूसरे से ज्यादा बोली लगा रहे थे तो चैन सोचते हुए कहता है कि यह शॉर्ट बहुत महंगी है। तो जियांग उसे बताता है कि यह शॉर्ट सब लोगों को पसंद है क्योंकि जियांग शॉर्ट एटमोसफेयर को स्ट्रॉन्ग बनाती है और इसकी प्राइस दूसरी चीजों से बहुत कम है। फिर जियोंग तेजी से वहाँ रखा खाना खाने लगता है तो उसके पास बैठी लड़की उसकी तरफ देखने लगती है तो जियोंग एकदम से खाना छोड़कर मॉन्क बनने का नाटक करता है। वहीं जेंगयांग सेठ की तरफ से एल्डर वू जियांग शॉट के लिए बोली लगा देते हैं तो सब लोग बातें करने लगते हैं कि जिस चीज पर जेंगयांग सेठ बोली लगा देता है तो किसी और की हिम्मत नहीं होती है कि वो उस चीज पर ज्यादा बोली लगा सके। तो जियांग शॉट का ओनर जेंगयांग सेठ हो जाता है। फिर ऑक्शन मास्टर सबके सामने यांग एक्सट्रीम कॉपर फर्नेस पेश करते हैं तो सब लोग एक दूसरे से ज्यादा बोली लगाते हैं, मगर कॉपर फर्नेस को भी जेंगयांग सेट खरीद लेता है। फिर सबके सामने सेवन क्लट पेगोड़ा पेश किया जाता है तो उस पेगोड़ा को भी जेंगयांग सेट खरीद लेता है। एल्डर वू के हर बार चीजें खरीदने से परेशान होकर सब लोग कहते हैं कि एल्डर वू जेंगयांग सेट के नाम का फायदा उठाकर दूसरे लोगों को बोली लगाने का मौका भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि सब डरते हैं कि अगर ने बोली लगाई तो एल्डर वो हमें जान से मार देंगे। इससे एल्डर लिन और चैन भी काफी गुस्सा होते हैं। फिर ऑक्शन मास्टर सबके सामने ब्लैक आयरन वी पेश करते हैं जिसकी प्राइस 10K से स्टार्ट थी, मगर चैन ब्लैक आयरन वी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी चैन की ट्रू फायर एक्टिवेट हो जाती है जिससे चैन समझ जाता है कि ट्रू फायर मुझे बताना चाहती है कि ब्लैक आयरन वीप एक ट्रेजर है। फिर बोली स्टार्ट हो जाती है तो एल्डर वो कहते हैं कि इस ब्लैक आयरन वीप को भी जेंगयांग सेट खरीदेगा तो चैन एल्डर वू से ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन्स की बोली लगाता है। यह देखकर सब लोग हैरानी से बात करने लगते हैं कि ये कौन है जो जेंगयांग सेठ के सामने बोली लगा रहा है। यह सुनकर लिंगर कहती है कि यह लड़का बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर एल्डर वू चैन से कहते हैं कि कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन तुम भूल रहे हो कि तुम किसके सामने बोली लगा रहे हो। तो चैन कहता है कि मैं बस ऑक्शन में पार्ट लेना चाहता हूँ, क्या इससे आपको कोई प्रॉब्लम है। यह कहकर चैन सोचता है कि तुम मुझे डराना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें यह विप नहीं खरीदने दूंगा। तो एल्डर वो कहते हैं कि बहुत वक्त से मैंने ऐसा इंटरेस्टिंग जूनियर नहीं देखा था तो मैं भी तुम्हारे साथ बोली लगाऊंगा। फिर एल्डर वो 30K स्टोन्स की बोली लगाते हैं तो चैन 31K की बोली लगाता है। तो एल्डर वो सोचते हुए 50K की बोली लगाते हैं तो चैन दिमाग लड़ाकर एल्डर वो से बस 1K ज्यादा की बोली लगाता है तो एल्डर वो 100K की बोली लगाते हैं। यह सुनकर सब लोग सोचने लगते हैं कि जेंगयांग सेट इस मामूली ब्लैक आयरन के लिए इतनी बोली क्यों लगा रहे हैं। फिर चैन थोड़ा सोचकर 200K की बोली लगाता है। यह सुनकर सब लोग कहते हैं कि इस जूनियर ने यह सब करके अपने लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर ली है। चैन को देखकर लिंगर भी सोचने लगती है कि मैंने इसे पहले कहीं देखा था, मगर उसे चैन के बारे में कुछ याद नहीं आता। वहीं चैन की ज्यादा बोली सुनकर एल्डर काफी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि 200K स्पिरिचुअल स्टोन्स जेंगयांग सेठ के लिए बहुत छोटी प्राइस है, इसीलिए मैं 300K की बोली लगाता हूँ। ये सुनकर चैन खड़ा हो जाता है तो एल्डर वो हंसते हुए कहते हैं कि तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। तो सब लोग सोचते हैं कि ये जूनियर अब बोली नहीं लगा सकता क्योंकि इसके पास स्पिरिचुअल स्टोन्स नहीं होंगे। तो ऑक्शन मास्टर ब्लैक आयरन वीप जेंगयांग सेठ को देने वाले थे, इसे चैन सोच में पड़ जाता है। तभी चैन के दिमाग में उसे किसी की आवाज आती है जो कहता है कि क्या तुम्हें सच में ब्लैक आयरन वीप चाहिए। ये सुनकर चैन ऑक्शन हॉल में ढूंढने लगता है कि किसकी आवाज है। तो चैन को ये सब तियान कसवान सेठ के एल्डर जी कह रहे थे, मगर चैन को अभी तक एल्डर जी के बारे में पता नहीं था। फिर एल्डर जी कहते हैं कि मैं आयरन वीप खरीदने में तुम्हारी मदद करूंगा, मगर उसके बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। तो चैन पूछता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो एल्डर जी कहते हैं कि इस बारे में मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। तो चैन सोचता है कि एल्डर जरूर तियान कसवान सेठ से है। तियान कसवान सेठ मिस्टीरियस और स्ट्रांग है, इसीलिए वो मुझे धोखा भी नहीं देगा।
देंगे और इसकी मदद से मैं एडा वू की बेइज्जती भी कर सकता हूँ। तो चेन एडा जी का ऑफर ले लेता है। तो एडा जी कहते हैं कि ब्लैक आयरन वीप के लिए जितने भी स्पेशल स्टोन तुम्हें चाहिए होंगे मैं तुम्हें सारे स्टोन दूंगा। फिर ऑक्शन मास्टर ब्लैक आयरन वीप की बोली बंद करने वाले थे तभी चेन 1 मिलियन स्पेशल स्टोन की बोली लगा देता है। यह सुनकर एडा वू गुस्से से चेन को बुलाते हैं। तो ऑक्शन मास्टर अपनी पावर एक्टिवेट करके एडा वू से कहते हैं कि ब्लैक मार्केट है, अगर तुमने अब कुछ कहा तो मैं तुम्हें जान से मारने में जरा भी देर नहीं करूंगा। ये चेन की इतनी बोली लगाने पर सब लोग बातें करने लगते हैं कि ये कौन है जिसने 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन बोली लगाई है, इसने ऐसा करके जेयांग सेठ को बेइज्जत किया है, लेकिन अब जेयांग के एल्डर इसे नहीं छोड़ेंगे। ये सब सुनकर चेन मुस्कुराते हुए एल्डर की तरफ देखता है। तो एल्डर गुस्से में कहते हैं कि मुझे गुस्सा दिलाने की तुम्हारी मत कैसे हुई। फिर एल्डर 2 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन की बोली लगाने लगते हैं, मगर निंगशु एल्डर को बोली नहीं लगाने देती है और कहती है कि उस जूनियर के लिए आपको इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ दूसरे काम के लिए आए हैं। फिर किसी के बोली ना लगाने से ब्लैक आयरन वीप का ओनर चेन बन जाता है। तो जियोंग चेन से पूछता है कि तुम इतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन कहाँ से लेकर आए हो। तो चेन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। फिर ऑक्शन मास्टर सुबह का ऑक्शन खत्म करके कहते हैं कि जिसने भी सबसे ज्यादा बोली लगाई है वो बैक हॉल में स्पिरिचुअल स्टोन देकर अपनी चीजें ले लो। ये सुनकर चेन एडर जी की तरफ देखता है जो ऑक्शन हॉल से जा रहे थे। तो चेन जियोंग से कहता है कि तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। चेन को जाते देख लिंगर सोचती है कि मैंने इसे कहीं देखा है मगर उसे कुछ याद नहीं आता। वहीं चेन एडर जी के साथ था। चेन कहता है कि मेरा नाम ये चेन है और मेरी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। फिर चेन पूछता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो एडर जी चेन को अपना हाथ दिखाकर कहते हैं कि नेक्रोमेंटिस स्पेल कर्स स्पेल है। ये सुनकर चेन कहता है कि मैंने बुक में पढ़ा था कि नेक्रोमेंटिस स्पेल बहुत खतरनाक है, जो भी इस स्पेल में फंसता है उसकी बहुत दर्दनाक मौत होगी। तो एडर जी कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और अभी तुम्हारी बॉडी की ट्रू फायर ही मुझे बचा सकती है। तो चेन कहता है कि नेक्रोमेंटिस स्पेल तो लेजेंडरी नेक्रोमेंसस ने बनाया था, फिर मेरी ट्रू फायर इसे कैसे ठीक कर पाएगी। तो एडर जी कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि नॉर्मल ट्रू फायर इस स्पेल को ठीक नहीं कर सकती है, लेकिन तुम्हारी ट्रू फायर नॉर्मल नहीं है और तुम्हारी ट्रू फायर अभी तक एक्टिवेट भी नहीं हुई है। यह सुनकर चेन काफी हैरान था। तो एडर जी कहते हैं कि तुम्हें बस अपनी ट्रू फायर से स्पेल के एक पैटर्न को खत्म करना है, क्योंकि नेक्रोमेंटिस स्पेल में इंटरलॉकिंग स्पेल पैटर्न होते हैं और एक पैटर्न के खत्म होते ही मैं स्पेल को खत्म कर सकूंगा। तो चेन अपनी पावर को एक्टिवेट करके एडर जी के हाथ को टच करता है, जिससे चेन एडर जी के कोर के पास पहुंच जाता है। उस कोर को देखकर चेन कहता है कि काफी पावरफुल एनर्जी है और ये एडर जी का कोर है। तभी नेक्रोमेंटिस स्पेल चेन की तरफ बढ़ने लगता है। तो एडर जी चेन के दिमाग में कहते हैं कि तुम्हें नेक्रोमेंटिस स्पेल से कर्ज नहीं होना है। तो चेन स्पेल के पैटर्न पर हमला करता है, मगर सारे पैटर्न मिलकर चेन को घेर लेते हैं। तभी एक पावरफुल ब्लास्ट होता है जिससे स्पेल के पैटर्न चेन से दूर हो जाते हैं। यह देखकर चेन काफी हैरान था क्योंकि ये ब्लास्ट चेन ने नहीं किया था। तो एडर जी कहते हैं कि मैंने अपनी थोड़ी पावर तुम्हारे अंदर डाल दी और अब तुम्हें अपनी ट्रू फायर से स्पेल को पूरी तरह खत्म करना है। तो चेन कोर से दूर जाने लगता है और स्पेल पैटर्न भी उसके पीछे आते हैं। तो चेन अपनी ट्रू फायर पावर को एक्टिवेट करके एडर जी के कोर पर हमला करता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ट्रू फायर की वजह से एडर के कोर से स्पेल का कर्ज हट जाता है। फिर एडर जी की पावर की वजह से चेन की ट्रू फायर की पावर और बढ़ गई थी, इसीलिए एडर जी चेन को उसकी पूरी पावर यूज करने के लिए कहते हैं। तो चेन अपनी पूरी ट्रू फायर पावर लगाता है जिससे काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और चेन की पावर आसमान से एडर जी के ऊपर आती है, जिस वजह से एडर जी के ऊपर से नेक्रोमेंटिस स्पेल का कर्ज हट जाता है। इसके लिए एडर जी चेन का शुक्रिया करते हैं। फिर एडर जी चेन को अपने साथ रुककर चाय पीने के लिए कहते हैं, मगर चेन उन्हें मना कर देता है क्योंकि उसे दोपहर के ऑक्शन में जाना था। यह कहकर चेन वहाँ से चला जाता है। वही एक जंगल में 3 आदमियों ने मिलकर कुछ लोगों को मार दिया था। एक एल्डर उनसे कहते हैं कि तुमने इन लोगों को मारकर बहुत गलत किया है। यह कहकर वो एल्डर अपनी पावर एक्टिवेट करते हैं, जिससे उन एल्डर की बॉडी से काफी एनर्जी रिलीज होती है। यह देखकर वो तीनों आदमी कहते हैं कि यह तो ज्योतियन स्टेज हेवनली किंग लेवल पर है, और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ ऑक्शन मास्टर सबके सामने तियांगांग स्टिक टेक्निक बुक पेश करते हैं, जिसे चेन 50 के स्पिरिचुअल स्टोन्स में खरीद कर सोचता है कि मुझे
के लिए स्टिक टेक्निक गाइड मिल गई है, लेकिन अभी तक एडव ने मुझे मारने की कोशिश क्यों नहीं की है। चैन अपने आसपास लोग देखकर जियोंग से पूछता है कि सुबह यहाँ बहुत सारे लोग थे लेकिन अब बहुत लोग कम हो गए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो जियोंग बताता है कि इम्पोर्टेंट और पावरफुल चीज को हमेशा बाद में दिखाया जाता है और एक हेवनली साइलेंस स्ट्रीट पील जो ज्यूतियन स्टेज पर जाने में मदद कर सकती है। तो चैन हेवनली साइलेंस स्पीड पील के बारे में पूछता है। ये सुनकर जियोंग चैन का मुंह बंद कर देता है क्योंकि हेवनली साइलेंस स्पीड पील को सुनकर सबको ये लगेगा कि हमारे पास पील है, इसीलिए वो हमें मारने की कोशिश कर सकते हैं। फिर जियोंग बताता है कि आने वाले एडस हेवनली साइलेंस स्पीड पील की मदद से ज्यूतियन स्टेज पर जाना चाहते हैं और जो एडम मरने वाला है वो पील के लिए कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर चैन कहता है कि अगर किसी ने भी हेवनली साइलेंस स्पीड पील को खरीदा तो सब उसे मारने की कोशिश करेंगे। तो जियोंग कहता है कि जैसे ही हेवनली साइलेंस स्पीड पील का ओनर ब्लैक मार्केट से बाहर गया उस वक्त वहाँ बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होगी। फिर ऑक्शन मास्टर सबके सामने हेवनली साइलेंस स्पीड पील पेश करते हैं। हेवनली साइलेंस स्पीड पील के अंदर से काफी एनर्जी निकल रही थी जिसे देखकर सब हैरान थे। फिर हेवनली साइलेंस स्पीड पील ऑक्शन हॉल में तेजी से घूमने लगती है तो ऑक्शन मास्टर अपनी पावर से हेवनली साइलेंस स्पीड पील को वापस उसके बॉक्स में ले जाते हैं। फिर ऑक्शन मास्टर कहते हैं कि हेवनली साइलेंस स्पीड पील की प्राइस 5 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन से स्टार्ट होती है। तुम सब स्टोन के बदले में कोई ऐसी चीज दे सकते हो जिसकी कीमत 1 मिलियन से ज्यादा होनी चाहिए। फिर हेवनली साइलेंस स्पीड पील की बोली स्टार्ट हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।